अगर आप लोग डायरेक्ट मोबाइल से फास्टेस्ट स्नाइपिंग करना चाहते हो तो भाई 3 बटन एक साथ क्लिक करना पड़ता है, और अगर आप लोग 3 फिंगर खेलते हो तो ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे 2 फिंगर खेलते हो तो भाई ये इम्पॉसिबल की तरह लगता है। बट आज मैं आप लोगों को जीजी माउस प्रो में एक मैक्रो बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग ओनली 1 क्लिक से ये इतना फास्ट स्नाइपिंग कर सकते हो भाई, लिटरली 1 क्लिक से। और सिर्फ मैक्रो लगाने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे हमें बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन भी चुनना होगा। तो मैं जो यूज करता हूँ डबल स्नाइपिंग के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक्टिव स्किल की बात करें तो यहाँ पे मैं ओरियन को यूज करता हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे अच्छे खासे क्लचेस निकाल देते हैं, ये आप लोग वुकोंग का भाई भी इसको बोल सकते हो। एंड इसके साथ हमें डबल स्नाइपिंग कर रहे हैं तो राफेल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो ऑटोमेटिक साइलेंसर लगा देता है। एंड यहाँ पे मिगुएल भी हमें चाहिए होगा ओरियन को चार्ज करने के लिए। एंड वुल्फरा आप लोग कोई और भी ले सकते हो इसकी जगह। मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यही है डबल स्नाइपिंग के लिए, आप लोग चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो। और आप लोगों को पता ही होगा कि हम डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से गेम प्ले नहीं करते, यहाँ पे हम कीबोर्ड माउस से ही गेम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप रख लिया है एंड इसमें हम यूज करने वाले हैं जीजी माउस प्रो। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई एक न्यू एप्लीकेशन आया है K2ER, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो जल्द से मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पर देखो वो पेड एप्लीकेशन है तो उसका पूरा रिसर्च के साथ वीडियो लाऊंगा तो वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो वर्थ इट है या फिर नहीं वो सब देख के। ओके बाय द वे, अभी के टाइम में तो सबसे बेटर अभी जीजी माउस प्रो ही है, बिकॉज ये प्रॉपरली फ्री है और फ्री रहते हुए भी इसमें बहुत अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे मैक्रो से लेके हर एक चीज इसमें मिल जाता है और सेंसिटिविटी भी बेस्ट है, तो आप लोग इसमें इजीली खेल सकते हो। तो हम आ चुके हैं अब डायरेक्ट गेम के अंदर एंड अब यहाँ से हम करते हैं सेटअप डबल स्नाइपिंग का, तो चलते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में। बट उससे पहले फाइनली आ चुके हैं हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पर देखो तो हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे माउस कर्सर लॉक अनलॉक करने के लिए हम लोग एस्केप बटन यूज करने वाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले देखो हम इसमें अभी मैक्रो लगाने वाले हैं, तो मैक्रो लगाने के लिए सबसे पहले तो एक बटन ले लेंगे एंड माउस का जो बैकवर्ड बटन है मैं उसे यूज करने वाला हूँ, ओके इस मैक्रो के लिए, बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्ट हम फायर करने वाले हैं उससे। तो मैक्रो में जाके यहाँ पे एडिट पे चले जाना है एंड यहाँ पे 3 टैप ले लेना है, ओके। एंड तीनों टैप पे एक पे हमें 55 रख लेना है सबसे फर्स्ट वाले पे एंड सेकंड वाले पे बस 10 इंक्रीज करना है, 65 कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ एंड सबसे टॉप पे 55 एंड सेकंड वाले को 65 एंड उसके थर्ड वाले पे और 10 इंक्रीज करना है, ओके 75 कर देना है। ये मतलब मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करके उसके बाद मैं ये आप लोगों को टाइमिंग बता रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे एडिट पोजिशन पे चले आना है एंड जो फर्स्ट वाला है वो आप लोगों को स्कोप पे रखना है, बिकॉज यहाँ पे जब आप लोग स्नाइपर हाथ में ले रहोगे तभी जाके ये काम करेगा, ओके। तो एक को हमें स्कोप पे रखना है, सेकंड को हमें नॉर्मली फायर पे रखना है एंड थर्ड वाले को वेपन स्विच पे रख देना है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का अब एकदम फास्टेस्ट स्नाइपिंग लगने वाला है, तो यहाँ पे इस मैक्रो को आप लोग सेव कर दो एंड उसके बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ से एक बार सबसे पहले ट्राई करो। यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे मैं जब ओनली 1 क्लिक माउस का जो बैकवर्ड बटन मैंने सेट किया बस उसी को क्लिक करूंगा, ये देखो कितना फास्ट स्नाइपिंग कर रहा है, मतलब ये नॉन स्कोप इतना फास्ट इजीली आप लोग भी स्नाइपिंग कर सकते हो। अभी के टाइम पे एक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लाइक यहाँ पे वुकोंग के साथ सिंगल स्नाइपर का जो 2 गोली एक साथ ही मार देता है, बेसिकली इसमें हमें जैक रेक्टर के साथ वुकोंग को यूज़ करना होता है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखो अभी मेरा वुकोंग चार्ज है एंड इस बंदे को देखना, ये देख रहे हो मतलब एक स्नाइपर से ही 2 गोली निकल गया। तो कभी कभी इसमें ये फेक डैमेज दिखा देता है, यही इसमें बेकार है, बट यहाँ पे सिंगल स्नाइपर से एक साथ ही मतलब 2 गोली से एक बंदे को फिनिश कर सकते हो। तो चलो यार इसका भी मैं अभी आप लोगों को मैक्रो दिखा देता हूँ, ये कभी कभी काम करता है कभी कभी काम नहीं करता। तो यहाँ पर देखो बस ओनली मैं 1 से इसको सेट करके, ओके बस यहाँ पे 1 क्लिक किया और यहाँ पे 2 बुलेट एक साथ ही छोड़ दिया, वो भी सिंगल स्नाइपर से। तो ये कभी कभी भाई काम नहीं आता, यही इसका डिसएडवांटेज है, बट मैं आप लोगों को इसका मैक्रो दिखा देता हूँ। तो इसका मैक्रो यहाँ पे मैंने 1 की से सेट किया हुआ है और जैसे आप लोगों ने अभी मैक्रो सेट किया इसका नॉन स्कोप स्नाइपर का, सेम वैसे आप लोगों को 3 ले लेना है, एक 110 का, 130 का और 160 का, ओके। एंड एक को रखना है फायर पे, एक को रखना है कैरेक्टर स्किल पे, फिर एक को रखना है फायर पे, हो गया आप लोगों का ये भी डन। इसी तरीके से आप लोग इसमें मैक्रो सेट कर सकते हो फास्टेस्ट। तो चलो यार अब चलते हैं रैंक में। फुल मैप रैंक में अगर आप लोग डबल स्नाइपिंग करते हो तो सबसे पहले तो भाई डबल स्नाइपर ढूंढने में ही पूरा मतलब आधा लॉबी ऐसे ही खत्म हो जाता है भाई, मतलब स्नाइपर मिलता ही नहीं है यार। मतलब ब्लू जोन में मैं उतरा तब जाके यहाँ पे कुछ देर लूट करने के बाद हमें डबल स्नाइपर मिला यार, और देखो यहाँ पे आधा बंदे खत्म,
तो क्या ही किल होगा इसमें। बट यहाँ पे आप लोग गेम प्ले देखो, एंड अगर आप लोग न्यू अगर ट्राई करना चाहते हो डबल स्नाइपिंग वो भी फोन में जीजी माउस प्रो एप्लीकेशन को यूज करके, तो आप लोग इजीली कर सकते हो यार। मतलब लिटरली बहुत फास्ट यहाँ पे स्नाइपिंग होगा आप लोगों का, और अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई CS रैंक में भी आप लोग इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और स्नाइपिंग कर सकते हो। ओके, और जीजी माउस प्रो की बात करें तो भाई इसके कंपेरिजन में अभी तक कोई एप्लीकेशन बना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये फ्री होते हुए भी बहुत अच्छे खासे फीचर दे देता है जिसे हम लोग अपने गेम प्ले में यूज करके प्रो लेवल का गेम प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो मेरा वाला की मैप यूज करना वो भी कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा की मैप वाला। ओके, बस वो कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।